हेलो फ्रेंड्स, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में कई सारे लिगेंड देखे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनर कितने हैं वो आप लोग पहचान सकते हो, तो वो ट्रिक हमने बताई थी। तो अगले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ जो कॉम्प्लेक्स है उसका 18 इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करने वाले हैं, या कुछ क्वेश्चन भी हम लोग इसके रिगार्डिंग सोल्व करने जा रहे हैं। तो टाइम व्यर्थ नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला कॉम्प्लेक्स है MN का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आप लोग देख सकते हो कि MN में वैलेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, MN में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैलेंस, ये आपको फाइंड करना है न्यूट्रल लिगेंड मेथड के अनुसार। तो यहाँ पर MN में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। अब यहाँ पर 5 कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट में मैंने बताया था कि कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल में कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं 5, तो 5 × 2 हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 10 इलेक्ट्रॉन वो हो गए। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन ही वो डोनेट करता है। तो यहाँ पर टोटल की कर लीजिए, ये है 7 + 10 + 1, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 18। तो ये कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल वाला कॉम्प्लेक्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की ओर। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है N5C5H5 2SiFe। तो यहाँ पर आपको ढूंढना होगा मेटल। सबसे पहले आपको मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करने हैं, जो Fe के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। तो ईयर N5 मीन्स क्या होता है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है, वो मैंने आपको बताया था अगली वीडियो में। यहाँ पर हेप्टिसिटी ही उसके इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन में ली जाती है, जो भी हेप्टिसिटी हो वो। तो यहाँ पर हेप्टिसिटी है 5, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन वो काउंटिंग में हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये 2 लिगेन है, ये C5H5 वाले 2 लिगेन है, तो 5 × 2 कितने हुए ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो टोटल कीजिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन Fe वाला और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन इज दैट द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इनमें से कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में इस तरह सा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वहाँ पर रोडियम मेटल है, तो उसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है D5S2। वो 3D हो या 4D वो हमसे लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन जानने हैं। तो रोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन हुए ओवरऑल, और यहाँ पर N5 ग्रुप लिगेन एज ए दिया हो गया है, तो यहाँ पर कितने उसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए, वो 1 ही ग्रुप है, यहाँ पर उसके भी 5 इलेक्ट्रॉन हुए, और Cl एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करता है, ये वाला Cl एटम, और 1 CO लिगेन है, तो उसके इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, और 1 PpH3 लिगेन है, PpH3 भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो भी हमने बात की थी, तो उसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। सो मेक अ टोटल, आप लोग टोटल कीजिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन रोडियम के, 5 इलेक्ट्रॉन वो साइक्लिक लिगेन के, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, 2 इलेक्ट्रॉन CO के, और 2 इलेक्ट्रॉन PpH3 के, तो ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो पहला वाला तो फॉलो कर रहा है, तो इसका ये तो आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं दूसरे वाले की। तो दूसरे वाले में टंगस्टन एज ए मेटल है, यहाँ पर देख सकते हो कॉम्प्लेक्स में, तो टंगस्टन है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है इन वैलेंस शेल में, और यहाँ पर 3 CO लिगेंड दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3 CO लिगेंड है, तो 3 × 2 कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन हुए, और यहाँ पर SiMe3 मीन्स इसको RMe3 भी बोल, SI मीन्स कार्बन वाली कॉलम में आएगा, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ये भी मैंने आपको बताया हो या ना बताया हो, मतलब कि ये CCA3 जैसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। ओके, SI भी आप लोग फाइंड करके देख लीजिएगा, रफ वर्क करके, कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनर होगा, क्योंकि उसकी 1s ns ऑर्बिटल में ही 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वही वो डोनेट करेगा।
बात करते हैं क्लोरीन की, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनर है। अब यहाँ पर NCME2, ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है? ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये हमने शायद बात की थी अगले वीडियो में। और नो की हो तो आप लोग अटैच करके देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन यहाँ पर मेन एटम रहेगा, नहीं नाइट्रोजन नहीं रहेगा, मीन्स कार्बन यहाँ पर मेन एटम रहेगा और नाइट्रोजन और मिथाइल उसकी ऑर्बिटल में अटैच होंगे, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 वैलेंसी ही अकोमोडेट हुई, तो ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन हुए। सो टोटल कीजिए तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, और यहाँ पर इरिडियम एज ए मेटल हमको दिया गया है, तो इरिडियम में 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं वैलेंस सेल में। और यहाँ पर क्लोरीन है, तो थोड़ी देर के लिए मैं साउंड स्टॉप कर, तो चलिए इरिडियम में 9 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3 × 1, तो उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन। और PPH3 लिगेन 2 है, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करते हैं? 2 × 2 इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन, वो हो चुके। अब यहाँ पर ASPH2 है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए फिर स्टॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है, मगर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं मतलब ASPH2, मीन्स AS मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक, तो ये आपको उलट के पूछा गया है ASPH2, इसको आप लोग घबराना नहीं है। AS मीन्स नाइट्रोजन वाले कॉलम में आएगा, कि उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, नाइट्रोजन कैसी होगी, वहाँ पर आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसकी पी ऑर्बिटल में रहेगा, क्योंकि NH2 NP3 ही होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन PH फिनाइल रिंग वो अपना अकोमोडेट करके 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 इलेक्ट्रॉन P में पड़ा होगा, तो ये ही 1 इलेक्ट्रॉन ये काउंटिंग में आएगा। यहाँ पर चार्ज हमने बताया था कि न्यूट्रल लिगेंड मेथड में जो चार्ज हो उसको ऑपोजिट लेना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग -1 चार्ज है, तो उसको +1 इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसिडर करेंगे। सो आप लोग टोटल कीजिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। बात करते हैं डी, तो ये तो हमारा आंसर ही होगा। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर OS एज ए मेटल है, ओसमियम, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के। और नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन दिया नहीं दिया है, सिर्फ नाइट्रोजन है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो NP3 वाले जो है 3 ही इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग एज ए कंसिडर करेंगे, मतलब कि यहाँ पर दिया नहीं गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन। और Br2, 2 Br है, 1 Br 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल हुए। ये PM3 लिगेंड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एज ए PPH3 के, तो है PPH3 की अकॉर्डिंग। और ये NMA2, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि NMA2 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, यहाँ पर ME2 मिथाइल ग्रुप 2 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी यहाँ पर लेस है, तो इसी वजह से वो 1 वाला इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा उसकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। चार्ज यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर +1 ले लेते हैं हम लोग, तो टोटल कीजिएगा तो 70 इलेक्ट्रॉन हुए, मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारे साथ और भी क्वेश्चन है करवाने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमंग द फॉलोइंग द अनस्टेबल कार्बोनिल स्पीसीज कौन सा है। अब अनस्टेबल होगा वो आपको पता कैसे चलेगा? जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा वो तो स्टेबल होगा, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा वो अनस्टेबल होगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, MnCO5Cl, तो Mn के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 5 CO है, तो 5 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब Cl1 है, तो 1 × 1, यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 ही होगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो स्टेबल है, मतलब कि आंसर ये है कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। पहला वाला तो स्टेबल है, बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में Mn के 7 इलेक्ट्रॉन, CO5 है तो उसके भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब -1 है, तो यहाँ पर +1 चार्ज हो चुका है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18, तो ये भी 18 है, ये भी स्टेबल है। बात करते हैं CO कॉम्प्लेक्स की, Mn में 7 इलेक्ट्रॉन,
फाइव सी ओ है तो उसके 5×2=10 इलेक्ट्रॉन उसके हो चुके हैं, और 1 प्लस 1 चार्ज है तो उसके -1 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल 16 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये अनस्टेबल नहीं है। 16 इलेक्ट्रॉन, आपको ये बात बता दूं कि 18 और 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्टेबल होते हैं, क्योंकि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स स्क्वेयर प्लेनर जियोमेट्री में होता है और वो स्टेबल ही होती है। ओके, और डी ऑप्शन देखते हैं तो MnCO पर MnC1 इलेक्ट्रॉन होता है, 5CO तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन हुए वो अनस्टेबल में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलो ये आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आर -1 and 4 रिस्पेक्टिवली। इनमें से कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स है इस जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 कोबाल्ट की और 4 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो। तो देख सकते हैं 1 by 1, यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन का तो कुछ बनता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो ही नहीं सकता। ओके, आपको देख के ही पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट 8 है और CO2 है। ओके, तो बात करते हैं दूसरे वाले की, बी ऑप्शन में RCO4 है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिसोसिएशन करवाना है, तो R पे माइनस चार्ज आएगा और कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर गौर से देखोगे तो कोबाल्ट पे +1 चार्ज है उसकी, बट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है -1। ओके, दूसरे वाले में देखते हैं NaCO4CO12, चार्ज तो है -1 मगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं है, Na+ तो हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो NaCOCO4 उसका डिसोसिएशन करवाइए, Na+ हो जाएगा और CO पे माइनस। यहाँ पर दोनों का सेटिस्फेक्शन हुआ है, चार्ज है -1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। अब आपको क्वेश्चन ये आएगा, यहाँ पर डिसोसिएशन में हमने ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप पे हमने नेगेटिव चार्ज लिखा है क्यों, और यहाँ पर मेटल के, तो इसकी बात ये है कि ऑर्गेनिक ग्रुप है वो हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं कंपेयर टू मेटालिक ग्रुप। कोई भी मेटल होता है वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और कहीं भी आप लोग डिसोसिएशन करवाइएगा वहाँ पर जब ऑर्गेनिक ग्रुप और मेटल अटैच होंगे तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा और ऑर्गेनिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इन द लिस्ट बिलो। इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन सी है, पहली वाली है Ni वाला कॉम्प्लेक्स, देखते हैं ये ऑप्शन में Ni 10 इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं उसकी वैलेंस सेल में। यहाँ पर 6H2 ओलिगन, अब यहाँ पर H2 ओलिगन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, तो 6×2 कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन। चार्ज यहाँ पर +2 है तो -2 इलेक्ट्रॉन हमको करने पड़ेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 + 12 - 2=20 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो Fe एटम है, Fe के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन। 5C ओलिगन है, मींस यहाँ पर 5×2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल टोटल कीजिए तो ये 8 + 10 = 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। बात करते हैं सी ऑप्शन नंबर सी की, तो सी है N5C6H6Ru, रोडियम 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और C6N5, यहाँ पर Fe6 दी गई है तो उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब टोटल कीजिएगा, 6 + 8 कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन हुए, नहीं 70, नहीं 60, कितने हुए, 40, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी का कोई सवाल ही नहीं होता, वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं, वेनेडियम 5 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं इनकी वैलेंस सेल में, कोबाल्ट मिक्स कोबाल्ट नहीं कार्बोनिल 6×2 कितने हुए, 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, ये 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। हमने क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज,
सॉरी, मैं आप लोगों को बीच में कुछ गलत बता दिया था कि क्वेश्चन ये है कि 18 इलेक्ट्रॉन पीसीज कौन सा वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। इसमें 20 हुए तो ये भी नहीं, सी वाले में 14 हुए तो ये भी नहीं, तो डी वाले में 17 तो ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन इज राइट। सो द ऑक्सीड नेक्स्ट क्वेश्चन, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन ये वाले कॉम्प्लेक्स में एमओ जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो आप लोगों को पता करना है। ऑप्शन दिए गए हैं तो हम लोग सोल्व करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एमओ कितने होते हैं इस वाले कॉम्प्लेक्स में? 6 इलेक्ट्रॉन, इस वाले नहीं मतलब इन जनरल। और यहाँ पर N7 ट्रोपिलिनियम आयन दिया गया है, तो N7 है तो आयन भी कोई भी हो, FTCT हमको दी गई है तो 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। यहाँ पर 3 कार्बोन लिखे हैं तो 3×2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल कीजिएगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर चार्ज हमको भूल गए थे, तो चार्ज है ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कोई की कोई झंझट ही नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन में कोई लेस और ज़्यादा होगा तो हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा सा काम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। सो थैंक यू।